नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि यूपी में एडेड स्कूल की वैकेंसी निकली हैं जो कि वही 2000 के समथिंग में वैकेंसी हैं। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे कि कौन से व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कौन नहीं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। तो आइए देखिए कि क्या है कि बेसिक शिक्षा अनुभाग 3 यानी विषय इसमें दिया गया है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में ये सूचना जारी की गई है। इसमें दिया गया है कि ये जो वैकेंसी जो निकली है इसमें असिस्टेंट टीचर यानी सहायक अध्यापक भर्ती और प्रधानाचार्य की भर्ती निकाली गई है, जिसमें जो सहायक अध्यापक जो है वो कम से कम उनका स्नातक होना अनिवार्य है, और जो प्रधानाचार्य की जो वैकेंसी निकली है उसमें 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। और ये फॉर्म वही व्यक्ति डाल सकते हैं कि जिनके पास ये सब चीज़ें होंगी। तो आइए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इनके लिए ज़रूरी है। इसमें दिया गया है कि उपरोक्त विषय में प्राप्तांक इसमें दिया गया है, पत्रांक जूनियर वैकेंसी जो भी है माध्यमिक शिक्षा परिषद की, इसमें जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में कतिपय बिंदुओं पर पुनः मार्गदर्शन मांगा गया है, जिसके क्रम में भर्ती आयोजित कराए जाने की कार्यवाही के संबंध में बिंदुवार निम्नवत दिए गए हैं दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। तो आइए देखें, इसमें दिया गया पहला वाला कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल यानी जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 के नियम 4 में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताओं का उल्लेख है, जिसमें सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित किया गया है। अतः सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का स्तर स्नातक रखा जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा जो बिंदु दिया गया है इसमें दिया गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जूनियर हाई स्कूल हेतु निर्धारित मान्य और मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूलों में भाषा विज्ञान गणित और सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख है। अतः सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु भाषा विज्ञान गणित और सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाए, और भाषा विज्ञान गणित और सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाए। इसके संदर्भ में ये सूचना जारी की गई है। इसमें क्या होगा कि सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, भाषा सामान्य अध्ययन तथा विज्ञान और गणित में किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना होगा, यानी जिसने साइंस ग्रुप से अपनी परीक्षा यानी साइंस ग्रुप से जो बच्चा है वो साइंस इसमें चूज करेगा, जिसने बीए किया है या फिर हिंदी वगैरह जिसके पास है तो अपना भाषा जो भी लैंग्वेज हो संस्कृत हिंदी ये सब चीज़ों का चयन कर सकता है। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा इसमें 50 प्रश्न आएंगे जो कि सामान्य ज्ञान के होंगे, और जो दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा इसमें 100 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे जो आपकी विषय चूज की गई होगी या फिर जो भी आपकी विषय रही होगी। और जो बिंदु 3 जो दिया गया है इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के पद पर चयन और चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राविधानित किया गया है। प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है। प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु अर्हता का परीक्षण स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रशासनिक क्षमता और अन्य विषयों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए, और एक प्रश्न पत्र शिक्षा और विभाग से संबंधित विभिन्न अधिनियमों और नियमों शासनादेशों शिक्षा विभाग से संबंधित गठित
विभिन्न आयोगों, समितियों और उनकी संस्तुतियों, शिक्षा नीतियों के संबंध में उनकी विभागीय कार्यक्रमों तथा योजनाओं संबंधी का परीक्षण करने हेतु निर्धारित कर दिया जाए, जिससे अभ्यर्थी की शिक्षा विभाग के संबंध में सामान्य समझ और जानकारियों का आकलन किया जा सके। ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम पूछे जाएंगे, मतलब इसका सिलेबस क्या होगा। जो आपका पहला प्रश्न पत्र जो होगा उसमें क्या पूछा जाएगा और जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा उसमें क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में बताते हैं। तो जो दिया गया है कि सामान्य ज्ञान यानी समसायिक घटनाएँ, तार्किक ज्ञान, ये सब चीज़ों के बारे में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी इसके बारे में बताते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक प्रकरण, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। और इकोनॉमिक्स, सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विश, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। और इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान भी होगा। और जैसा कि इसमें दिया गया है कि तार्किक ज्ञान का मतलब रीजनिंग होता है, तो रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स आएंगे जो कि इसमें दिए गए हैं। ये आपके कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं कि एनोलॉजी, एसर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स, कैलेंडर, कोडेड इनइक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग, ये सब इसमें पूछा जाएगा। अब देखिए, जो भी इसमें कैंडिडेट हैं, जो प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक है, तो अपना फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, तो इनकी जो भी लैंग्वेज होगी, जैसे हिंदी है तो हिंदी के कुछ पाठ्यक्रम दिए गए हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश के कुछ पाठ्यक्रम हैं, संस्कृत है तो संस्कृत के भी कुछ टॉपिक्स हैं, बाकी सामाजिक अध्ययन वगैरह, हर एक विषय के अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। और जिसको भी इसका सिलेबस चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर सकता है। ये जो सिलेबस है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पिन होगा, वहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि इसका विज्ञापन जो है 18 फरवरी को प्रकाशित किया गया है, ऑनलाइन आवेदन जो है 22 फरवरी से प्रारंभ होंगे और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 8 मार्च, जो कि ज़्यादा दिन नहीं है, मैक्सिमम 15 दिन है। ठीक है, आवेदन शुल्क इसका 9 मार्च तक आप जमा कर सकते हैं। आवेदन पूर्ण करने की तिथि जो है वो 10 मार्च तक है। परीक्षा केंद्रों के निर्धारित जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना जो है 10 मार्च तक ये जारी कर दी जाएगी। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा और भी चीज़ें देखते हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिला प्रेषित कर दिया जाएगा। जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की तिथि 19 मार्च होगी। जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करके केंद्रों की सूची, छात्र आवंटन सहित हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों ये 21 मार्च तक जारी कर दी जाएंगी। केंद्रों की सॉफ्ट कॉपी NIC लखनऊ को प्रोसित करने की तिथि जो है 23 मार्च होगी। बाकी ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।